हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं प्लैनेट ब्लू। आज हमारी इस ब्राउनी गिनी पिग का 8वां हफ्ता शुरू हो गया है। आज संडे है, 7 हफ्ते पूरे हो गए और 8वें हफ्ते में अभी के जो इसके अपडेट्स हैं वो ये हैं कि इसकी किक नज़र आने लगी है। मैं आपको एक कैमरे में रिकॉर्डेड क्लिप दिखा रहा हूँ और बड़ी मुश्किल से वो क्लिप मैंने रिकॉर्ड की थी। उसमें अब बच्चों का देख सकते हैं कि कैसे इसमें किक लग रही है इन लोगों की। और अभी खैर देखना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इस समय यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ मैं, लाइट है और यहाँ अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही सफाई की है। तो अभी मैंने फीड में सिर्फ इसको ग्रेन्स दिए हैं, थोड़ी सी रोटी दी है और थोड़ी सी घास दी थी जो कि इसने ख़त्म कर दी है। तो अभी सिर्फ वीडियो के लिए मैंने यहाँ पर सारी सफाई कर दी है, आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी सफाई करके जैसे ही मैं हटाऊँ और कैमरा उठाऊँ, नीचे इसने कितनी सारी बूंदियाँ गिरा दी हैं। और ये देखिए, अब आप इसकी किक देख सकते हैं, हल्का हल्का पेट में इसकी किक लगना स्टार्ट हो गई। तो 8वें हफ्ते में यही अपडेट होता है कि गिनी पिग की किक काफ़ी हद तक आप देख सकते हैं। अगर आप बिल्कुल एक जगह पे शांत बैठ जाएं और गिनी पिग की जो हरकत है ये देखिए, अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो चीज़ है ये 7वें हफ्ते में नहीं होती है। 8वें हफ्ते के बाद जो उसकी किक है, मूवमेंट है और ये सब चीज़ें आपको ऐसे नॉर्मली बाहर दिखने लगती हैं। और 9वें हफ्ते में ऐसा होता है कि आप जब भी गिनी पिग को देखेंगे रेगुलर उसमें कुछ ना कुछ रोटेशन, मूवमेंट, किक वहाँ पे चलती रहती है। और फिर 10वें हफ्ते का इंतज़ार करिए, लगातार वही चीज़ रहती है जो 9वें हफ्ते में रहे और फिर उसके बाद बच्चे तैयार और वो आ जाते हैं। तो अभी खैर 8वां हफ्ता आज शुरू हुआ है और आज ही से इसमें काफ़ी अच्छा अपडेट ये आया कि किक इसकी दिख रही है। तो यहाँ पर फीड में तो खैर मैंने अभी जो चीज़ इसको दी है। और एक और सवाल लोगों का था कि प्रेग्नेंट गिनी पिग को जैसे कि वो लोग पालक दे रहे हैं और फिर वो पतली लैट्रिन करने लग रही है तो क्या पालक देना ठीक है कि नहीं है। तो देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि कोई भी पानी वाला ऐसा पौधा या फिर कोई भी सब्जी, फल, फ्रूट जिसमें वाटर क्वालिटी ज़्यादा हो, वाटर की क्वान्टिटी ज़्यादा हो, उसको नहीं देना है। ये देखिए, इसको मैंने सिर्फ यहाँ खेलने के लिए रखा है और ये उठा के फेंक देती है। तो ऐसा कोई भी फल फ्रूट ना दें जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो क्योंकि ऐसा करने से आपके गिनी पिग को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। और प्रेग्नेंट गिनी पिग को और क्या क्या देना चाहिए इसके ऊपर भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा जो कि उसके लिए हेल्दी हो। लेकिन देखिए, अगर आप लोग वो नहीं दे पा रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने गिनी पिग को वो सारी चीज़ें ना दे पाएँ जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो या फिर उसके लिए विटामिन, मिनरल्स ज़्यादा हो। आप जो भी नॉर्मल फीड रेगुलर दे रहे हैं जैसे कि ग्रेन्स, रोटी, घास, मटर या फिर जो भी है, आप वो दे सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और एक्स्ट्रा में अगर देना हो तो ये जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने दिया रखा हुआ है, ये इसको काटती रहती है जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट और इसके साथ खेलती भी रहती है। और इसके अलावा आप कटल फिश बोन रख सकते हैं। कटल फिश बोन मैंने बुक की है, अब देखिए वो कितने दिन में आती है। और कटल फिश बोन से फ़ायदा ये है कि कैल्शियम की मात्रा पूरी होती रहेगी जिससे कि जब बच्चे होंगे तो थोड़ा हैवी बोन होंगे। और ये देखिए दिए को काट रही है तो यहाँ ये एक तरीके का इससे खेलती भी रहती है और उसको काटती भी रहती है। अब इसके अंदर जो भी मिनरल हो, जो भी चीज़ हो, थोड़ा सा कैल्शियम मिल जाती है, ये गिनी पिग्स को पता है। और ये खैर इंसानों में भी होता है कि जब इंसान में फीमेल मतलब औरतें प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको ये सब खाने का मन करता है। तो सेम ऐसे ही हर जीव में है, हर क्रिएचर में है और यहाँ पे हमारी फीमेल गिनी पिग के साथ भी यही है। और बाकी गिनी पिग्स आप देख सकते हैं, इसमें एक ये वाइट और ब्लैक वाली भी प्रेग्नेंट है और ये भी प्रेग्नेंट है ब्राउन और ब्लैक में। लेकिन एक यहाँ ब्रीडर पेयर मैंने रखा हुआ है और इससे अभी तक कोई भी अपडेट नहीं मिल रहा है। खैर, ब्राउनी ने काफ़ी अच्छे अपडेट दिए और ऐसे अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। आज 8वां हफ्ता है, एक हफ्ते बाद 9वां हफ्ता और फिर उसके बाद हमें गिनती का एक और हफ्ता या 2 हफ्ते इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो 10वें-11वें हफ्ते में गिनी पिग ने बच्चे दे दिए होंगे और फिर उसके बाद मेरे पास टीम में कुछ और मेम्बर्स भी आ जाएंगे। उम्मीद है कि इस बार ज़्यादा बच्चे दें, वैसे अगर नहीं भी देती है तो 3 का लीटर साइज़ तो पक्का है। तो खैर चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं फिर, बाय बाय। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।